तुमरे भाई ऊपर वाला बॉडी में किसी को चेस्ट अच्छी देता है, किसी को बैक, किसी को बाइसेप, किसी को ट्राइसेप। तो अगर आपकी चेस्ट अच्छी है ना तो उसे गेन करिए भाई, शेप में लाइए। तो वर्कआउट लेके आऊं केबल से, ये लगाइए अपर चेस्ट के लिए। तो भाई बेस्ट वर्कआउट है, एक बार ट्राई जरूर करें, क्या पता आपकी चेस्ट शेप में ना आ रही हो, शेप में आ जाए, गेन भी हो जाए जल्द से जल्द। तो आपके लिए दूसरा सेट लेके आऊं मैं, ये भी इंक्लाइन का अपर चेस्ट का सेट है। इसके आपको 10 रेपुटेशन लगाने हैं, क्लोज में लगाना है पहले। ये देख लिया, वही वेट लेना, अपनी अकॉर्डिंग वेट रख ले। मैंने 10 वेट लिया है और 10 रेपुटेशन इसके कंप्लीट होने के बाद आपको इसे रखना है बेंच पे, ना कि ऐसे मत लेना भाई, हाथ में इंजरी हो सकती है। आपको बेंच पे रखना है इसे और फिर इसके 10 रेपुटेशन लगाने हैं तुरंत, प्लस में लेना मेरे भाई। पहले क्लोज फिर ओपन, फिर अपर चेस्ट में देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, आप खुद कहोगे जो भाई बेस्ट सेट है अपर चेस्ट का। तो भाई चेस्ट शेप में जब आएगी, जब अपर की लाइन होगी ना जो चेस्ट के अंदर दिखती है, भाई मजा आ जाता है। जो हमारा तीसरा सेट है वो पुल ओवर है, आपको इंक्लाइन बेंच ऐसे ले लेनी है, आपके यहाँ पे होगी बेंच, और आपको डंपल हैवी वेट लेना है थोड़ा सा। अगर हैवी वेट लोगे तो जल्दी चेस्ट गेन होगी, साथ में ये बैक पर भी असर करेगा आपकी। बहुत ही अच्छा पंप आया था मुझे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे इसका। तो अपने अकॉर्डिंग वेट रखना, इसके 3 सेट लगाने सभी वर्कआउटों के, और आज अपने वर्कआउट में ऐड करें और फिर देखें मुझे रिजल्ट बताना कैसा लगा। तो भाई को फॉलो कर ले, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, दिल से धन्यवाद।